ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि सोमरस क्या है। सोमरस एक ऐसा पदार्थ है जो संजीवनी की तरह कार्य करता है। यह जहां व्यक्ति की जवानी बरकरार रखता है, वहीं यह पूर्ण सात्विक, अत्यंत बलवर्धक, आयुवर्धक और भोजन विष के प्रभाव को नष्ट करने वाली औषधि है। कण्व ऋषियों ने मानवों पर सोम का प्रभाव जो बताया है वो हम आपको बता रहे हैं। यह शरीर की रक्षा करता है, दुर्घटना से बचाता है, रोग दूर करता है, विपत्तियों को भगाता है, आनंद और आराम देता है, आयु बढ़ाता है और संपत्ति का संवर्धन करता है। इसके अलावा यह विद्वेषों से बचाता है, शत्रुओं के क्रोध और द्वेष से रक्षा करता है, उल्लासपूर्ण विचार उत्पन्न करता है, पाप करने वाले को स्मृति का अनुभव कराता है, देवताओं के क्रोध को शांत करता और अमर बनाता है। सोम विप्रत्व और ऋषित्व की सहायक है। सोम अद्भुत स्फूर्तिदायक, ओजवर्धक तथा घावों को पलक झपकते ही भरने की क्षमता वाला है, साथ ही अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति कराने वाला है। सोम जो है बड़ी स्वादिष्ट है, मधुर है, रसीली है। इसका पान करने वाला बलशाली हो जाता है और अपराजय बन जाता है। ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ऋग्वेद में लिखा है, ऋग्वेद में शराब की घोर निंदा करते हुए कहा गया है, शराब की निंदा की गई है। ऋत्सु पितासु युद्यन्ते द्रुमदासु न सुरायाम। सुरापान करने या नशीली पदार्थ पीने वाले अक्सर युद्ध, मारपिटाई या उत्पात मचाया करते हैं। हालांकि वेदों में शराब की बुराइयों को जड़ कहा गया है, ऐसे में देवताओं को कैसे शराब चढ़ा सकते हैं? यह निचोड़ा हुआ शुद्ध दधि मिश्रित सोमरस सोम पान की प्रबल इच्छा रखने वाले इंद्रदेव को प्राप्त हो। ऋग्वेद में है कि हे वायुदेव, यह निचोड़ा हुआ सोमरस तीखा होने के कारण दुग्ध में मिश्रित करके तैयार किया गया है, आइए और इसका पान कीजिए। ऋग्वेद में लिखा है, संतम वाय सुचिनाम सहस्त्रम व समाशिराम इदोनिम्न नरियते, अर्थात नीचे की ओर बहते हुए जल के समान प्रवाहित होते सैकड़ों घड़े सोमरस से मिले हुए हजारों घड़े दुग्ध मिल करके इंद्रदेव को प्राप्त हो। तो इन सभी मंत्रों में सोम में दही और दूध को मिलाने की बात कही गई है, जबकि सभी जानते हैं कि शराब में दूध और दही नहीं मिलाया जा सकता है। भांग में दूध तो मिलाया जा सकता है लेकिन दही नहीं। लेकिन यहाँ यह एक ऐसे पदार्थ का वर्णन किया जा रहा है जिसमें दही भी मिलाया जा सकता है। अतः यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सोमरस जो भी हो लेकिन वह शराब या भांग तो कतई नहीं है, जिससे नशा भी नहीं होता था, अर्थात वो हानिकारक वस्तु तो नहीं थी। देवताओं के लिए समर्पण का यह मुख्य पदार्थ था। अनेक यज्ञों में इसके बहुविधि उपयोग होता था। सबसे अधिक सोमरस पीने वाले इंद्र और वायु हैं। पूषा आदि को भी यदा कदा सोम अर्पित किया जाता है। सोम लताएं पर्वत श्रृंखलाओं में पाई जाती हैं। राजस्थान के अर्बुद, उड़ीसा के महेंद्रगिरी, विंध्याचल, मलय यदि अनेक पर्वतीय क्षेत्र में इसके लताओं पाए जाने का जिक्र मिलता है। अफगानिस्तान की पहाड़ियों पर ही सोम का पौधा पाया जाता है। यह बिना पत्तियों के गहरे बादामी रंग का पौधा है। वैदिक काल के बाद यानी ईसा के काफी पहले इस वनस्पति की पहचान मुश्किल होती चली गई। ऐसा भी कहा जाता है कि सोम मतलब होम, सोम अनुष्ठान करने वाले लोगों ने इसकी जानकारी आम लोगों को नहीं दी, उसे अपने तक ही सीमित रखा और कालांतर में ऐसे अनुष्ठान लोगों की जो पीढ़ी है, परंपरा के लुप्त होने के साथ साथ सोम की पहचान भी लुप्त होगी और मुश्किल होती चली गई। जैसे संजीवनी बूटी है, कुछ विद्वान इसे संजीवनी बूटी कहते हैं। सोम को न पहचान पाने की व्यवस्था का वर्णन रामायण में मिलता है। हनुमान दो बार हिमालय जाते हैं, एक बार राम और लक्ष्मण दोनों के मूर्छा होने पर और एक बार लक्ष्मण की मूर्छा पर। अगर सोम की पहचान न होने पर पूरा पर्वत ही उखाड़ लेते हैं। दोनों बार लंका के वैद्य सुषेण ही असली सोम की पहचान कर पाते हैं। तो यदि हम ऋग्वेद के नौवें सोम मंडल में वर्णित सोम के गुणों को पढ़ें तो संजीवनी बूटी के गुणों से मिलते हैं। इसे यह सिद्ध होता है कि सोम ही संजीवनी बूटी रही होगी।
ऋग्वेद में सोमरस के बारे में कई जगह वर्णन है। एक जगह पर सोम की इतनी उपलब्धता और प्रचलन दिखाया गया है कि इंसान के साथ साथ गाय तक को सोमरस भरपेट खिलाया और पिलाया जाता था, ये तक कही गई है। कुछ वर्ष पहले ईरान में एफेड्रा नामक पौधे की पहचान कुछ लोग सोम से करते थे। एफेड्रा की छोटी छोटी टहनियाँ जो थी बर्तनों में दक्षिण पूर्वी तुर्कमेनिस्तान मेंतोगुलोक नामक मंदिर परिसर में पाई गई थी। इन बर्तनों का व्यवहार सोमपान के अनुष्ठान में होता था। यद्यपि इस निर्णायक साक्ष्य के लिए खोज जारी है अभी भी, हालांकि लोग इसका इस्तेमाल यौन वर्धक दवाई के रूप में करते हैं। अब जहां तक ईरान और हमारे भारत की बात है, माना जाता है कि सोमपान की प्रथा केवल ईरान और भारत के वह इलाके हैं जिन्हें अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहा जाता है, यहाँ के लोगों में ही प्रचलित थी। इसका मतलब पारसी और वैदिक लोगों में ही इसके रसपान करने का प्रचलन था। इस समूचे इलाके में वैदिक धर्म का पालन करने वाले लोग ही रहते थे। कुछ वर्ष पहले ईरान में इन्फेंड्रा नामक पौधे की पहचान कुछ लोग सोमरस से करते थे। अभी इफेड्रा की छोटी छोटी टहनियाँ बर्तनों में दक्षिण पूर्वी में जब रखा गया था तो यहाँ पर उन्होंने अनुष्ठान किया था। फिर एक सोमवल्ली, प्राचीन ग्रंथों और वेदों में सोमवल्ली के महत्व और उपयोगिता का व्यापक उल्लेख मिलता है। अनादिकाल से देव देवताओं एवं मुनियों को चिरायु बनाते थे, उन्हें वल प्रदान करने वाला पौधा था सोमवल्ली। बताया जाता है कि रीवा जिले के घने जंगलों में यह पौधा आज भी पाया जाता है। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो भी बड़ा अजीब सही है। तो इसकी और भी कई सारी प्रजातियां भी हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।